having Mr. Faisal Janjua with us. He is Chancellor, Institute of Art and Culture, and he is CEO Lahore Times Square Limited. सबसे पहले thank you so much for taking out time. अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से या सस्टेनेबल फ्यूचर के हवाले से, so what do you think, the role of education क्या है इसमें? I think जी सबसे important इस वक्त मैं समझता हूँ कि education और जो institutional role है in terms of educating people, architects एंड रिलेटेड डोमेन. हमने उसमें एक जो हमारा एक स्पेशल इनिशिएटिव है इन टर्म्स ऑफ मिटिगेटिंग क्लाइमेट रिस्क. हमने पाकिस्तान का जो एक मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में उसकी सस्टेनेबल स्ट्रेटजी बनाई है और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बिल्डिंग डिज़ाइन किया गया है. बिल्डिंग की हीट सिमुलेशंस हुई हैं, बिल्डिंग के मटीरियल्स उससे सिलेक्ट हो रहे हैं. इसमें जो प्राइमरी रोल है वो इंस्टीट्यूशन का है. हमने इस सिलसिले में कोई पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं थी तो वन ऑफ द टर्किश यूनिवर्सिटी हुसैन यूनिवर्सिटी उनका एक रिसर्च सेंटर है सीटेबली सेंटर फॉर एनवायरनमेंट इकोनॉमी एंड एनर्जी. हमने उन्हें एंगेज किया और इन लियू ऑफ दैट हमने पाकिस्तान में पहला उनका सीटेबली का एक लोकल सेल बनाया. उसी सेल ने हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प की. पार्ट ऑफ दैट वाज टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ और फैकल्टी. वी डेवलप फ्यू प्रोग्राम जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का 4 ईयर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हमने क्लाइमेट चेंज का 4 ईयर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है. सबसे बड़ा मसला ये था कि हमें मैन पावर में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी कि जो चीज़ें हम करना चाह रहे थे उसमें लोग नहीं हैं. एंड डाउन द रोड भी वी थिंक कि जिस तरह से हमारे ग्रुप की एक्सपेंशन चल रही है उसमें क्योंकि लोग नहीं हैं तो हमने ये सारे जो स्पेशलाइज प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं इनको हम खुद ही फंड कर रहे हैं. हम स्टूडेंट्स को उसमें टोटल स्कॉलरशिप दे रहे हैं. एंड दैन इसके इस तरीके से हम लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि कमिंग ईयर्स में नॉट ओनली कि हमारे ग्रुप की रिक्वायरमेंट पूरी हो बल्कि डाउन द रोड जो पाकिस्तान की ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग में इसमें हम एक रोल प्ले कर सकें. जिस तरह आपने एक बात की कि सस्टेनेबिलिटी को फोकस किया, सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट को यूजली इग्नोर कर दिया जाता है. वी ऑलवेज फोकस ऑन द प्रेजेंट. सो अगर हम सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बात करें, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज. वी हैव सीन वर्स्ट क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है. सो इसमें यू आर चांसलर ऑफ ISEN एज वेल, सो उसमें आर्किटेक्चर, आर्ट, डिज़ाइन सब चीज़ें होती हैं. तो क्या इस पर भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है कि हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो और इस तरह की हो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो? ठीक, बिल्कुल पॉइंट आउट किए. एक्चुअली देखिए ये वो एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान में जर्नी क्योंकि हमारे एजुकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो डिज़ाइनर हैं आर्किटेक्ट्स हैं वो भी इग्नोर करते हैं, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन वाले हैं वो भी इग्नोर करते हैं और फाइनली कॉन्ट्रैक्टर इग्नोर करते हैं. एंड अल्टीमेटली जो इसमें एंड यूज़र है वो होम ओनर है, वो अपार्टमेंट ओनर है. वो अगर पहले साल नहीं तो 5 साल नहीं तो 10 साल बाद सफ़र करते हैं. तो यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन के हवाले से नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल के हवाले से नहीं है कि उसने कितना क्लाइमेट फ्रेंडली होना है, बल्कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उस वहाँ पे जिन लोगों ने रहना है वो आज से 50 साल बाद भी कंफर्टेबली क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग में रह रहे हैं जहाँ पे उनको ये ना हो कि उन्हें हीट के एस्पेक्ट में इतनी ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है टू डील विद हीट इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन कॉस्ट कि वो उनके लिए अफोर्डेबल ना रहे. तो हमने जो इसमें बिल्डिंग डिज़ाइन की है, जो प्रोसेस इवॉल्व की है, वो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए इट वुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्टिव बिल्डिंग जो इंसान की कंफर्टेबल लिविंग में उसे सपोर्ट दे सके और सस्टेनेबिलिटी का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके. सही. Any message you want to give to the stakeholders, to the youth, to the general public? I think हमें इसमें जो message sustainability का है जो in terms of specifically design और construction material, I think as a nation हमें इसको everyone of us to take it very seriously. हमने जो अगली generation को जो दे के जाना है पाकिस्तान उसमें उनके लिए आसानियाँ होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए. हमारे जो पिछले जो 3 decades हैं उसमें इस एरिया में बहुत कम डेवलपमेंट हुई है और हम दुनिया से बहुत पीछे हैं. आई थिंक वी नीड टू ब्रिज दैट गैप और उस गैप में एग्जैक्टली शुड लीव बिल्डिंग एंड सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगली जनरेशन उसको यूज़ कर सके उसे तोड़ के बनाना. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच मिस्टर फैसल फॉर योर टाइम. थैंक यू.